तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट से और देखते हैं कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ नई गतिविधियां हो रही हैं जिससे कृषि के क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास हो सके। आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। शहद परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारत की पहली प्रयोगशाला का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कृषि मंत्रालय ने जब परीक्षण प्रयोगशाला की कल्पना की तो इस कल्पना को मूर्त रूप देने में और इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाने में जो पार्टनर की आवश्यकता थी, भागीदार के रूप में नेशनल डेयरी विकास बोर्ड को जोड़ा और उनके सहयोग से इस काम को आज अंजाम दिया है, यह प्रयोगशाला गुजरात के आणंद में कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित की गई है। ऐसी 5 और प्रयोगशालाएं खोलने की भी योजना है। इस अवसर पर मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ कृषि मंत्री ने किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार गांव गरीब किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कार्य कर रही है। भारत सरकार देश में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गांव का विकास करने और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कभी भी किसी योजना का सृजन करते हैं तो हर योजना के हर निर्णय के केंद्र में गांव गरीब किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होता ही है। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बात की इच्छा रही कि छोटे से छोटे गरीब से गरीब किसान के जीवन स्तर में भी बदलाव आए और ऐसे हमारे तमाम सारे भाई बहन हैं जिनके पास जमीन का रकबा तो नहीं है लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वो खेती के काम से ही जुड़े हैं लेकिन गांव में जो साधन है उस साधन के माध्यम से जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं हो पाती और प्रधानमंत्री जी का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा गांव में रहने वाले गरीब आदमी की किसान की ताकत बढ़ेगी, समृद्धता बढ़ेगी, तभी हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी की सदैव इच्छा रही है कि छोटे से छोटे किसान के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए और उनकी आय बढ़े, उनकी ताकत बढ़े और ऐसा होने पर ही हमारे देश की ताकत बढ़ेगी क्योंकि बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। इनके सहित विभिन्न सेक्टरों के लिए योजनाएं बनाते हुए सरकार देश का निरंतर विकास कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र का उपयोग करके इस दृष्टि से भी जागरूकता कार्यक्रम फैलाने की आवश्यकता है कि मधुमक्खी पालन अगर आपके आसपास के किसी क्षेत्र में हो रहा है तो यह आपके खेत में उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, विपणन होगा तो निश्चित रूप से जो उसका मालिक होगा उसको फायदा भी होगा, उसको आमदनी भी होगी। लेकिन जब हम मधुमक्खी पालन के बारे में विचार करते हैं तो एक पक्ष है शहद का उत्पादन बढ़ाना, शहद का
निर्यात बढ़ाना, शहद के उत्पादन का योगदान कृषि की जीडीपी में छुड़े, यह भी हमारी आवश्यकता है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, वो दूसरा पक्ष हमारे ध्यान में रहना जरूरी है कि जो छोटा मझोला और जिसके पास कृषि नहीं है, ऐसा जो वर्ग है, उस वर्ग को टारगेट करके अगर हम मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देंगे तो निश्चित रूप से यह हमारा मिशन उन क्षेत्रों तक, उन वर्गों तक, उन व्यक्तियों तक पहुंचेगा जिसको निश्चित रूप से 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने की आज तकलीफ हो रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देते हुए शहद के उत्पादन तथा निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस क्षेत्र में और बेहतर प्रयास सभी को मिलजुल कर करने होंगे। मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम का विस्तार करने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने छोटे किसानों को लक्ष्य में रखते हुए मधुमक्खी पालन के विकास पर जोर दिया। कम लागत, सरकार की सब्सिडी, ये छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए है और जब उन तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से जो आवश्यकता के लिए पात्र है उस व्यक्ति का फायदा होगा और उसके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। मधुमक्खी पालन भी निश्चित रूप से इसी दृष्टिकोण के आधार पर हम सब लोगों को आगे ले जाने की जरूरत है। सरकार की सब्सिडी का पूरा लाभ निचले तबके तक पहुंचना चाहिए। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी यह बात देखी जानी चाहिए। इस प्रयोगशाला के माध्यम से शहद की गुणवत्ता प्रामाणिकता को सिद्ध किया जा सकेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भी मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके जरिए आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की बात आई तो बाकी तुलना में मधुमक्खी पालक किसानों के लिए पैकेज छोटा दिखाई देता हुआ, लेकिन सामान्य तौर पर इस प्रोग्राम के लिए जो पैसा पहले दिया जाता था वो तो एक तौर से ऊंट के मुंह में जीरा ही दिखाई देता था, लेकिन इस बार एक और हलवत खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने रखे, वहीं 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालकों के लिए भी प्रावधान किया गया। यह निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो राशि है आमूलचूल परिवर्तन लाएगी और निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। लेकिन जब हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं और आने वाले कल में 182,000 उत्पादन के लक्ष्य को हमें पूरा करना है तो निश्चित रूप से हमको टेस्टिंग लैब की फैसिलिटीज को और विकेंद्रित करना पड़ेगा। टेस्टिंग लैब की सुविधा को और भी विकेंद्रित करना पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में हितग्राही ज्यादा है वहां इस तरह की सुविधाएं हों, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा कार्यक्रम किए जाएं। समारोह को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रूपाला, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी एवं केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने भी संबोधित किया। आणंद के सांसद मितेश पटेल, NDDB के चेयरमैन दिलीप रथ सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय डेयरी एवं मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने अपनी राय साझा की। बी बोर्ड, कृषि मंत्रालय, KVIC, ये सबको जोड़ करके प्रधानमंत्री ने पिछली ही पहली सरकार में कहा था कि अगर देश के किसानों की आमदनी व्हाइट रेवोल्यूशन से दूध से बढ़ सकता है, आज 8 लाख करोड़ का दूध होता है किसानों की आमदनी, तो स्वीट रेवोल्यूशन, और उसी प्रधानमंत्री के कारण आज स्वीट रेवोल्यूशन सबसे बड़ी कठिनाई थी दुनिया में। लगभग आने वाले दिनों में $30 बिलियन का अभी तो
$15 बिलियन का लगभग है और भारत के हनी का गुणवत्ता भी अच्छा है, लेकिन टेस्टिंग लैब की कमी थी, आज तक नहीं बना था क्योंकि जो भी लोग होंगे किसानों को सोचा नहीं। आज ये टेस्टिंग लैब का उद्घाटन जो एनडीडीबी के साथ मिलकर के बी बोर्ड कृषि मंत्रालय ने किया है, ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने वाला है, गांव में रहने वालों की आमदनी बढ़ाने वाला है। और केवल हनी का ना जोड़ें, हनी के बाद अभी तक उससे पोलेन निकलता जो कई गुना हनी से ज़्यादा कीमत होता, वीवेन निकलता जो उससे कई गुना अधिक होता, उसके वैक्स मोम निकलते जिसके कीमत आप बाजार में छोटी सी डिबिया 100 रुपये में मिलते, यानी आने वाले दिन में वैल्यू एडिशन पर काम होगा, क्वालिटी पर काम होगा। और आज 1.25 लाख टन पर चला गया है जो बहुत नगण्य था उत्पादन, और इसलिए ये टेस्टिंग लैब एक माइलस्टोन का काम करेगा क्योंकि देश में जितना हनी का उत्पादन होता है उससे ज़्यादा जो मुझे ज्ञान हुआ है बाजार में बिक्री है, यानी मिलावटी को रोकने में सक्षम होगा। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, जिसमें हम अक्सर आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे कुछ सफल किसानों से, ताकि आप उनकी कहानी जान सकें और उससे प्रेरणा लेकर अपनी खेती किसानी को भी और भी ज़्यादा उन्नत बना सकें। आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। अमला रिया को राजस्थान समेत देश के तमाम राज्यों के गांव वाले इन्हें जल देवी के नाम से जानते हैं। मुंबई शहर में रुइया परिवार को कौन नहीं जानता, पुश्तैनी रईस है रुइया परिवार। मुंबई समेत देश और दुनिया के चुनिंदा शहरों में इस परिवार का होटल और शॉपिंग मॉल का बिजनेस है। और रुइया परिवार की प्रमुख है अमला रुइया। अमला रुइया देश के हजारों लाखों किसानों और गरीब परिवारों के लिए आशा का दीपक है। अपने प्रयासों से अमला रुइया ने पूरे देश में जल क्रांति का अभियान चलाया है।
बरसाती पानी को रोकने की इस मुहिम में अमला रिया ने सैकड़ों चेक डैम बनवाए। इन चेक डैम से लाखों गांव वालों की जिंदगी में बड़े बदलाव आए हैं। राजस्थान के सीकर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, पाली, टोंक और अजमेर जिले के दूर दराज के गांव में बदलाव लाने वाली जल देवी अमला रुईया को हर कोई जानता है। हालांकि राजस्थान ही नहीं, अमला ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में चेक डैम के अपने प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा। ये जल क्रांति गांव, शहर और राज्य तक नहीं, ये क्रांति देश और दुनिया के लिए है। सिंधु नदी के जल के लिए पाकिस्तान और ब्रह्मपुत्र के लिए चीन से हिंदुस्तान के संबंध कड़वे होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में किसी ने भविष्यवाणी भी की है कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होगा, लेकिन अमला रुईया जैसी नायिका ऐसे युद्ध के खिलाफ है, इसीलिए उनकी ये जल क्रांति ने जन्म लिया है। पालर पानी के गुण से काम शुरू हुआ, जगह रामगढ़ को चुना गया। उसकी भी खास वजह थी, क्योंकि अमला के पूर्वजों ने इन्हीं जगहों पर वहां कुंड बनाए थे। दरअसल भौगोलिक वजह से रामगढ़ के चेक डैम नहीं बनाए जा सकते थे, क्योंकि रामगढ़ एक कटोरे के आकार का था, इसीलिए पीने के पानी के कुंड बनाना शुरू किया। राजस्थान के गांव में बने उस चेक डैम ने पूरे गांव के साथ साथ आसपास के गांवों की तस्वीर बदल दी। पूरे साल गांव वाले मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए कमा पाते थे। अमला के इस प्रयास के बाद वहां की आमदनी 12 करोड़ हो गई। पहले 2 साल में अमला ने 4 से 5 चेक डैम बनाए, लेकिन इन चेक डैम से जो परिवर्तन दिखाई दिए उसने अमला रुईया को हौसला दिया। अमला रुईया ने देश के किसानों में शक्ति का संचार किया है, उन्हें उनकी ताकत से परिचित कराया है, उन्हें ये सिखाया है कि वो चाहे तो अपनी मेहनत और सूझबूझ से कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी विपरीत परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या पे मौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, ताकि उन्हें अपनाकर आप अपनी खेती किसानी को और भी ज़्यादा सरल बना सके और अपने लिए मुनाफे का सौदा बना सके। तो आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। फल सब्जियों का परीक्षण अहम हो जाता है। इसकी वजह है कि जो आपकी फल सब्जियां हैं उनमें खाद्यान्न फसलों की तुलना में पानी का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। अगर देखा जाए कि आपकी जो खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे कि आपका गेहूं है या धान है, इसमें तुड़ाई के या कटाई के उपरांत जब देखा जाता है नमी का प्रतिशत 12 या 13% के आसपास रह जाता है जब इनको हम भंडारण के लिए लाते हैं। लेकिन हमारी फल सब्जियों में तुड़ाई उपरांत जो पानी का प्रतिशत होता है ये बहुत अधिक होता है और देखा गया है कि ये 80 से 90% तक पाया जाता है। इसी की वजह से फल सब्जियां बहुत ही अधिक क्षयशील होती हैं। इसका तात्पर्य है कि आप जैसे ही फल सब्जियों को खेत से तोड़ेंगे उनको अति शीघ्र ही बहुत ही ठंडे वातावरण में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। इनकी ख़राब होने की वजह ये होती कि इसमें पानी का प्रतिशत अधिक होने से इसमें श्वसन क्रिया है या अन्य दैहिक क्रियाएँ हैं वो बहुत ही तीव्र गति से प्रचालित होती हैं, चलती हैं। इसके अलावा जो फफूंदी जनित बीमारियां होती हैं या कीड़े मकोड़े, उनका भी आकर्षण फल सब्जियों की तरफ अधिक होता है। इसकी वजह यह है कि फल सब्जी आपके पोषण के बहुत ही प्रमुख आधार हैं। इनमें जो उपलब्ध खनिज लवण है या जो भी पोषित पदार्थ हैं, पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, वो बहुत अधिक होते हैं। इसलिए इस फल सब्जियों की तरफ कीड़े मकोड़े एवं फफूंदी जनित बीमारियों का अधिक से अधिक खिंचाव होता, प्रकोप होता है। अब ये सवाल उठता है कि अगर इस तरह की समस्या से हमारे किसान भाई जूझते हैं या दो चार होते हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रबंध किया जाए? और इसका एक सीधा साधा आपका उत्तर है, वो मिलता है कि इन फल सब्जियों को तुड़ाई के उपरांत परिरक्षित किया जाए। बहुत बड़ा हिस्सा फल सब्जियों का आपका जो ताज़ी फल सब्जियों के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। इसके अलावा जो फल सब्जी बचती है उसको संरक्षण किया जाए, उसका परिरक्षण किया जाए। परिरक्षण के क्या कुछ फ़ायदे हैं हम किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो परिरक्षण की वजह से फल सब्जियों के कीमत में जो उतार चढ़ाव होता है वो कम से कम होगा। अगर इस समय देखा जाए कि टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर टमाटर को पहले से ही परिरक्षित कर लिया जाता है, इसके गोदोई को परिरक्षित कर लिया जाता है या इसके स्क्वैश है या आपका इसका केचप है इसको बना के रख लिया जाता, और इस गोदे को जिसको पहले से परिरक्षित कर लिया गया है, न्यूनतम इसका प्रसंस्करण करके स्टोर कर लिया गया है, उसको बाज़ार में उतारा जाता है या उसको विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, तो इस तरीके की ये जो लगाम लगाई जा सकती है जो आपके फल सब्जियों की कीमत में बहुत ही शीघ्र उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जबकि आपने देखा होगा धान या गेहूँ की फसल है उसमें इतने तीव्र उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। उसकी ये वजह है कि फल सब्जी बहुत ही अधिक क्षयशील हैं, इनको भंडारित करना बहुत ही कठिन या दुष्कर कार्य है या इनके भंडारण पर बहुत अधिक खर्चा आता है। उसमें आपको बिजली और जो प्रशीतालय या कहते हैं इसको कोल्ड स्टोरेज, उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पे फल सब्जियों का संरक्षण या परिरक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको हम तरोताज़ा कोल्ड स्टोरेज में बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं। अगर इसमें रखते भी हैं तो उसमें व्यय बहुत अधिक आता है, खर्चा बहुत अधिक आता है। इसलिए परिरक्षण एक बहुत ही सुदृढ़ और सरल तरीका है, और इसकी वजह से आपके जो उतार चढ़ाव जाते हैं फल सब्जियों की कीमत में उन पर भी कहीं कहीं लगाम लगाई जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि फल सब्जियों का परिरक्षण किस तरीके से किया जाए। फल सब्जियों को परिरक्षित करने के कई तरीके हैं, जैसे कि आपको फल या सब्जी, किसी सब्जी का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे टमाटर है या प्याज है, ये बहुत ही दो प्रमुख सब्जियाँ हैं, इनमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहता है इनकी कीमतों में। अगर टमाटर या
प्याज की जो फसल आती है उसको ले आने के बाद जब उसकी कीमत बाज़ार में बहुत कम होती है, उसमें बाढ़ आती है, बाज़ार में ग्लट आ जाता है, उस समय इसको हम परिरक्षित कर लें। और परिरक्षित करने की कई तरीके हैं, या तो इसको हम सीधे सीधे टमाटर का यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, इसका गूदा बना के परिरक्षित करके बड़े बड़े टैंक में या एक 100 लीटर या 200 लीटर की जो आपकी टंकियाँ आती हैं उसमें परिरक्षण के साथ साथ करके इसको हम भंडारित कर लें। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो का पूसा जिसे जानते हैं पूसा के नाम से, यहाँ का जो खाद्य एवं तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी संभाग है, यहाँ पे भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है इस तरीके के जो पाठ्यक्रम हैं उन पर फल सब्जियों के परीक्षण के लिए। हाँ, इसके अलावा जब आप फल सब्जियों के परीक्षण की एक प्रशिक्षण हासिल करके निकलेंगे तो आप एक इकाई भी खड़ी करना चाहेंगे। इस इकाई को खड़ा करने के लिए आपको कहीं न कहीं पैसे की ज़रूरत होगी, आपको कहीं न कहीं ऋण की ज़रूरत होगी। तो हमारे जो विभिन्न बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उसमें इस तरीके से जो युवा प्रशिक्षण पाते हैं उनके पास जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर उनको आसान तरीके से ऋण मुहैया कराया जा रहा है, जिससे कि वो अपनी छोटी लघु इकाई स्थापित कर सकें फल सब्जियों के प्रशिक्षण या परिरक्षण को लगाने की। तो इस तरीके से अगर समग्र रूप में जो मैंने यहाँ पर वार्ता की है उस पर अमल किया जाए कि फल सब्जियों का नुकसान अधिक क्यों होता है दूसरे खाद्यान्नों की तुलना में, और इनको परीक्षित करने की ज़रूरत क्यों होती है, और परीक्षण के क्या क्या कुछ तरीके हैं, क्या कहाँ पे इसमें प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं हमारे ग्रामीण युवा, भारतीय एवं राज्य सरकारों की क्या कुछ भूमिका है, क्या कुछ सहूलियत फराहम की जा रही है, उन सब पर विस्तार से मैंने चर्चा की। और मेरे यहाँ पे पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके से अगर आप अमल करेंगे तो फल सब्जियों का संरक्षण कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं, और जो नुकसान हो रहा है देश का या किसान भाइयों का या उपभोक्ताओं का, उसको कहीं ना कहीं कम करके देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।